मुगल काल एक ऐसा काल जिसे भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, जिसके बादशाह जो कि उस समय के शक्तिशाली शासकों में से एक थे, पर उन बादशाहों की लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स कुछ ऐसे भी हुए थे जिन्हें हम में से बहुत से कम लोग जानते हैं। ऐसे ही एक इंसिडेंट के बारे में जिसमें मुगल बादशाह शाहजहां ने कभी बूंदी के हाड़ा शासक के पैर दबाए थे, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा है पर ये सच है, ऐसा हुआ था। तो दोस्तों बात कुछ यूं है कि बूंदी के राजा रतन सिंह के तीन बेटे थे, कुंवर गोपीनाथ, कुंवर माधो सिंह और कुंवर हरि सिंह। गोपीनाथ की डेथ उसकी जवानी में ही हो गई थी। तो माधो सिंह जो कि बाद में अलग से कोटा रियासत के राजा बने और हरि सिंह जिन्हें पास में ही पीपलता की जागीर दे दी गई थी। इस समय दिल्ली पर बादशाह जहांगीर का राज था, पर उत्तराधिकार की लड़ाई में जब शाहजहां ने विद्रोह कर लिया था तो बादशाह जहांगीर ने तंग आकर उसे मरवाने के लिए फतवा जारी कर दिया था। तो इस काम के लिए बूंदी नरेश रावल रतन सिंह को चुना गया था। राव रतन सिंह और उनके दो बेटे माधो सिंह और हरि सिंह युद्ध में बड़े ही महारथी थे। उन्होंने अपनी अदम्य वीरता के दम पर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार कर लिया था। इसलिए जब रतन सिंह को यह काम मिला तो उन्होंने खुर्रम मतलब कि शाहजहां को बुरी तरह परास्त कर दिया और बंदी बना लिया, पर उन्होंने उसे ना मारकर अपने बेटे हरि सिंह के यहाँ उसे रखवा दिया था। यूं तो शाहजहां को हर सुविधा देने के लिए राव रतन सिंह ने अपने बेटे हरि सिंह से कहा था, पर हरि सिंह जो कि एक उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे उन्हें इससे अच्छा मौका ना मिल पाना था। तो उन्होंने खुर्रम को बड़े ही हीन भावना से रखा था और उनकी इसी हीन भावना का असर था कि उन्होंने शाहजहां से अपने पैर दबाए, हुक्का भरवाया और शाहजहां की स्थिति भी ऐसी हो गई थी कि अगर वो वहाँ से भागता तो वो मारा जाता और लड़ाई में तो पहले वो हार ही चुका था। दोस्तों यूं तो आपको यह घटना बड़ी ही मनगढ़ंत लग रही होगी, पर इस घटना का जिक्र प्रमुख इतिहासकार मुहनोत नैणसी ने अपनी प्रसिद्ध रचना मुहनोत नैणसी ख्यात में जरूर किया है। बाद में जब राव रतन सिंह को इस घटना का पता चला तो उन्होंने शाहजहां को वहां से माधो सिंह के अंडर में भेज दिया, जहां माधो सिंह ने उन्हें बड़े ही मान और सम्मान के साथ रखा था। जिसका फर्क ये पड़ा कि बाद में शाहजहां के काल में बूंदी से अलग रियासत कोटा रियासत का जन्म हुआ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।